हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं कुछ नया बना रही थी अपने गार्डन में, वो है ट्रे गार्डनिंग। तो बहुत अच्छा लगा इसे बना करके और बहुत ही सुंदर लग रहा था, भरा भरा सा, बहुत लुक बहुत अच्छा आ रहा था इसका। तो मैं कुछ इसमें अलग से कुछ इसके लिए प्लांटर कुछ खरीद के नहीं लाई थी, बस एक मेरे पास थर्माकोल का बॉक्स था, पहले भी कभी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा इसमें। तो मैं इसमें कुछ प्लांट्स इसमें लगा देती थी, तो ये जो प्लांट थे ना, ये मैं लगाई हुई थी पहले। तो अब अगर आप भी बनाते हैं तो ऐसे कुछ प्लांट्स लगा दीजिए, तो वो पहले सेट हो जाए, उसके बाद ही आप इसे डेकोरेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने यहाँ पर ये देखेंगे ना, तो कुछ प्लांट लगाए थे, अब ये अच्छे से सेट हो गए हैं। यहाँ पे मनी प्लांट एक लगा दी हूँ और सेंसिवेरिया है और ये पर्पल हार्ट है। अभी ये मेरे पास एक जो हमारे पास आर्टिफिशियल फ्लावर होते हैं उसी की ये नीचे की स्टिक है, तो नीचे अंदर में वायर है इसके, तो यहाँ पर मैं लगा दी हूँ। अब यहाँ पे जो मनी प्लांट है उसको मैं लगा दूँगी और इसके ऊपर से अच्छे तरीके से सेट कर दूँगी। इस तरीके से मैंने सेट किया है, लेकिन एक जो था मैं बरसात के टाइम से लगाई हुई थी तो बहुत अच्छे से वो लग चुका है, और ये मैं अभी एक कटिंग लगाई हूँ। और यहाँ पे सेंसिवेरिया है था जो मैं उसको हटा दे रही हूँ, क्योंकि ना यहाँ पर वो मैं सोच रही हूँ दूसरा प्लांट लगाऊँ जो कि ईओफोर्बिया मिली का प्लांट है, और ये छोटा सा है, मैं इसका छोटा प्लांटर है, तो देखिए इसकी साइज़ भी ज़्यादा बढ़ती नहीं है, और जो मैं यहाँ पर अभी इसको निकाल करके सेट कर दूँगी तो उसमें भी मिट्टी बहुत कम है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है, वो दिख रहा बड़ा है लेकिन बहुत ये दो इंच तक की मिट्टी होगी उसमें। तो दोस्तों, वो वाला मनी प्लांट तो मेरा चला नहीं, अब मैं यहाँ पर दूसरा लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे टेरिस पर धूप बिल्कुल भी यहाँ पे इतनी तेज़ पड़ती है, छांव वाली जगह तो है नहीं, तो इसलिए जो है ना मेरी जो वो लगा रही हूँ कटिंग तो वो जल जाती है, इस वजह से यहाँ पे मनी प्लांट में मुझे सेट करने में दिक्कत हो रही थी। तो दूसरी कटिंग लगाई और वो भी पूरी तरीके से देखे, पूरी पत्ते उसके जल चुके हैं। तो मैं सोच रही हूँ अब इसको निकाल देते हैं और जो मेरा पहले से लगा हुआ है उसी को मैं सेट करते जाऊँगी जैसे बढ़ते जाएगा। यहाँ पे एक स्पाइडर प्लांट, क्योंकि ये जगह खाली थी इसलिए यहाँ पर एक स्पाइडर प्लांट लगा दूँगी, और यहाँ पर टेंगल हार्ट भी लगाई हूँ, थोड़ा सा नीचे लटकेगा तो और भी अच्छा लुक आएगा इसलिए। तो यहाँ एक सीढ़ी का सेप दूंगी मैं, तो यहाँ मिट्टी डाल दिया है, अब दिया लिया है, दिया को फोड़ करके इस तरीके से उससे सीढ़ी बनाऊँगी। तो देखेंगे ना, सीढ़ी बनाने में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम आई थी, थोड़ा टाइम लगा इसे बनाने में, है इजी पर मुझे फर्स्ट टाइम था इसलिए टाइम लग रहा था। तो आप क्या करेंगे ना, जब भी बनाएं तो नीचे से स्टार्ट करिए और उसके ऊपर मिट्टी डालते हुए थोड़े ऊंचाई पे ऐसे लीजिए। अब इसको मैं पानी डाल के सेट कर दूँगी, तो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, ये कितना अच्छा है। यहाँ पर देखेंगे तो प्लांट्स बिल्कुल हरे भरे, बीच में ऐसा लग रहा है ना पहाड़ सा चढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ पर मैं शंकर भगवान की एक शिवलिंग है मेरे पास, उसको मैं यहाँ पर लगा दूँगी और इसमें मैं लगा रही हूँ, थोड़ा सा सेट रहे, चिपका रहे, उसके लिए मैं यहाँ पर वाइट सीमेंट को यूज़ कर रही हूँ और उससे इसे चिपका देंगे। तो ये मेरा एक बोलना चाहिए शिवालय जैसा एक लुक आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो अपने कलरफुल जो पत्थर आते हैं वो है, उसको मैं यहाँ पे सिर्फ वाइट वाले ले रही हूँ, और वाइट वाले जो हम बाउंड्रीज वगैरह बनाते हैं ना, तो ऐसा आप देखेंगे कई जगह पे रहता है, तो उसे अच्छा आपको लगेगा। और यहाँ पे कलरफुल स्टोन्स लेकर के पूरे गार्डन को डेकोरेट कर दूँगी। अब टाइम है प्लांटर में कलर करने का, अब मैं पूरे प्लांटर में कलर कर दूंगी, तो इससे आप और अच्छा ये उभर के आएगा। डार्क कलर मैं इसे ब्राउन कलर कर रही हूँ, थोड़ा सा वॉल का ऐसा टेक्सचर आएगा, वो पत्थर का ऐसा डिज़ाइन कुछ बना देंगे तो वो हमारा हो जाएगा। और ये जो वाइट सीमेंट दिख रहा है उसमें मैंने पूरा ब्लैक कलर से कलर कर दिया है, ताकि वो भी शिवलिंग के साथ में मैच हो जाए। तो अब यहाँ पर मेरा ये ट्रे गार्डन पूरा की पूरा तैयार है। और ऐसा सीढ़ियों में अधिकतर आप देखेंगे ना तो पेंट किया हुआ रहता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा कर दे रही हूँ ताकि उससे और अच्छा नेचुरल लुक आएगा।
तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। मैंने तो फर्स्ट टाइम बनाया और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, तो आप भी ऐसा ज़रूर ट्राई करिए दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और कैसा लगा वीडियो, मेरा ट्रे गार्डनिंग कैसा लगा, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।